झंझारपुर भैरव स्थान थाना क्षेत्र के संत नगर से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने के बाद मूर्ति की पूजा अर्चना जोरों से की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा 10 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। झंझारपुर भैरव स्थान थाना क्षेत्र के संत नगर गाँव में भगवान विष्णु की प्रतिमा को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने की खबर जब गांव वालों को मिली तो आसपास के इलाके में यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। स्थानीय निवासी एक कमेटी के सचिव श्याम कुमार चौधरी ने बताया कि गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट होने से गांव में शुभ संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मौके पर पूरे ग्रामीणों के सहयोग से अखंड अष्टजाम एवं भजन कीर्तन के साथ 25 मई से 3 जून तक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 511 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पवित्र जल से भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा का जलाभिषेक किया जाएगा। संत नगर के ग्रामीणों ने 10 दिनों तक चलने वाले इस विष्णु महायज्ञ के बारे में कहा कि मंदिर परिसर में जमीन पर मिट्टी भराने का काम जोरों से किया जा रहा है। क्या तैयारी है मूर्ति के बारे में? यही है, वहाँ पर जो बच्चे सब खेल रहे थे तो वहाँ पर आम टूटने के बाद में गिरा तो वहाँ पर बच्चे को दिखाई दिया एक पत्थर स्वरूप है, तो वो बोला मम्मी को, और वहाँ पर ग्रामीण भी थे तो वो बोला कि वहाँ पर पत्थर है, तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण वहाँ पर इकट्ठे हुए तो खोद कर देखा तो वहाँ पर भगवान विष्णु का प्रतिमा जागृत हुआ, तो उन्हीं को हम लोग लेकर मंदिर में स्थापित किए। पूरे ग्रामीण उसको श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी श्रोतागण उसे देखने के लिए दूर दराज से भी आ रहे हैं। दूर से तो लोग काफी आते होंगे आपके यहाँ देखने के लिए? हाँ हाँ, बहुत दूर दराज से भी आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। हम थे पहले ये देखा, तब हम थे, दोनों आदमी साथ थे। क्या देखे थे? मूर्ति। मूर्ति को क्या देखा, कहाँ? मतलब कैसे? हल्का चेहरा देखा, उस पर आम पहले गिरा, उसके बाद ये लड़का पहले उसको हल्का सा चेहरा देखा, तब हम भी पहले उसको खोदियाया, तब उसको लाठी से खोदिया, लाठी से नहीं हुआ तब खुरपी से छुड़ाए मिट्टी। कितना नीचे था लगभग मतलब मूर्ति? कैसा मूर्ति? जमीन में था या ऊपरी था? जमीन में था, 3 फीट अंदर जमीन में था। विष्णु जी का मूर्ति यहाँ मिला है, इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले हम त्रिरात्रि किए हैं, उसके बाद 25 तारीख से जग हम करने जा रहे हैं सामाजिक स्तर से। इसमें हमारे चारों तरफ का जितना भी समाज है इसमें सहयोग कर रहे हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, जो इस चैनल से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो प्रशासन को कुछ जागृत करे, ताकि हमारे जो ये गांव में विशाल मूर्ति निकला है मिट्टी को फाड़ करके, उस मिट्टी के लिए हम चाहते हैं कि अपने गाँव को पर्यटन स्थल साबित आदि बनवाए हैं। इसके लिए समाज हमारा तत्पर है, समाज चाहती है, और इस 10 गांव की समाज चाहती है कि यहाँ इस गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव पर थोड़ा ध्यान दे और इसको पर्यटन स्थल घोषित करे, और आपके चैनल वाले को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए सरकार को जागृत करें, ताकि हमारा गांव जो ये संत नगर है पहले से ये एक प्रकार की जो है धर्म से में लगे रहते हैं, संलग्न है, और यहाँ जो है लगभग 50 वर्षों से जग होता आ रहा है, लेकिन आज कुछ विशेष हुआ है जो भगवान विष्णु ये मलेमास के दिन गुरुवार के दिन पदार्पण किया है संत नगर में, उसी कारण से हम लोग उसी अवसर पर इस जग का निर्माण जो आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े झूला वगैरह आ रहे हैं। तो हम चाहते इसके आगे प्रशासन और मीडिया वाले, जो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को यदि जमीन दान में देना पड़ेगा कुछ भी हो तो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन हमको तैयार करे, सरकार तैयार हो कि हमारे गांव को जो है पर्यटन स्थल घोषित करे, इसके लिए हम सरकार और मीडिया को हमेशा धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ सुने। बताइए मूर्ति के बारे में कैसे कहाँ मिला है? मूर्ति हम लोगों को एक बच्चा को जिसका अमित कुमार नाम है उसको मिला, यानी आम तोड़ रहा था, जब आम उस पर गिरा तो जमीन हिलने लगा, जमीन हिलने के बाद बच्चा जो एक दो बच्चा वहाँ खेल रहा था उसको बुलाया, और बुलाने के बाद उसको खोदा, खोदने के बाद काला काला थोड़ा दिखाई दिखने लगा,
उसके बाद पूरे ग्रामीण 10-15 आदमी मिलकर उसको निकाला, वहाँ पर सर्फ भी था, उसको पूरे साफ करके हम लोग पूरे ग्रामीण मिलकर मंदिर में लाया। जी तो इसमें अभी क्या मतलब आप लोग इस मिलने के बाद में क्या कर रहे हैं? हम लोग रात्रि अष्टजाम शुरू किए, उसके बाद कल समाप्त हुआ 21 तारीख को, और 25 तारीख से यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ शुरू हो रहा है। उस यज्ञ में रासलीला, मथुरा और वृंदावन के महात्मा पधार रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की मौत हुआ और झूला सवार रहा है। एबीएन न्यूज के लिए विंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।